हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज का बैक साइड का जो नेक है वो कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, जब भी हम कैनवास की कटिंग करते हैं तो इस तरह से आपको पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको गले की लंबाई कितनी लेनी है वो पहले आपको चेक करनी है। नॉर्मल गला बनाना चाहते हैं या पैच वाला गला बनाना चाहते हैं ये पहले आपको देखना है। जब हम नॉर्मल गला बनाते हैं तो 9 इंच, 9.5 इंच, 10 इंच तक हम लेते हैं, लेकिन हमें पैच वाला गला बनाना चाहते हैं तो हमें जैसे 11 इंच, 11.5 इंच, 12 इंच तक हम गला लेते हैं। तब देखिए, यहाँ पे हम सिंपल नॉर्मल जो गला होता है 9 इंच का वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 9 इंच पे एक मार्किंग करूँगी और यहाँ पे एक मार्किंग करूँगी। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई लेनी है हमें 2.5 इंच पे, और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच लेना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर बनाना है। जो भी हम गला बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से पहले आपको इसका स्क्वायर बनाना है। ये देखिए, अब देखिए जो भी आप गला बनाना चाहते हैं तो इसे आपको क्या करना है, जो 2.5 इंच हमने लिया है उसके थोड़ा बाहर के साइड से आधा या 1.25 इंच आपको लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आपको गला बनाना सिखाएंगे। जो भी गला बनाते हो इसे हमें थोड़ा सा बाहर के साइड से लेना है। आप आधा या 1 इंच आप इस तरह से ऊपर के साइड में ले सकते हैं, आधा या 1.25 इंच, 1 इंच, जैसे भी आपको पसंद होगा। इस तरह से आपको बाहर के साइड में भी आपको आधा इंच बाहर के साइड से लेना है और इसे आपको इस तरह से राउंड शेप देना है। आप चाहे तो इसको भी राउंड शेप बना सकते हैं, राउंड शेप में, और उसके बाद आपको इसमें आपको ज्वाइन करना है। इस तरीके से आपको इसमें ज्वाइन करना है। तो पहले आपको बाहर के साइड से इसकी पहले कटिंग करनी है, उसके बाद जो गला हमने बनाया है उसको कट करना है। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। अब देखिए, जो गला हमने बनाया है तो इसे आपको कट करना है। इसको राउंड शेप चाहिए तो राउंड शेप, या कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर में भी आप बना सकते हो। राउंड शेप में ये हमारा इस तरह से आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको जब हम पेपर के ऊपर कटिंग करते हैं तो इसे आपको क्या करना है, जैसे आपको पता चल जाता है इसका ब्रॉडनेस कितना है, और ब्रॉड चाहिए तो आप उसका जो ब्रॉडनेस होता है, जो बाहर के साइड में हमने जैसे 2.5 इंच लिया है वो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप पैच चाहिए तो पैच वाला भी बना सकते हो ये गले को, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसकी लंबाई जो है वो बढ़ानी है, उसके बाद आपको ये गला जो है पैच वाला बनाना है। लेकिन सिंपल बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से बनाना है, और यहाँ पे आपको इसे डोरी लगानी है। तो यहाँ पे आपका ये गला जो है बहुत अच्छा दिखता है बनने के बाद। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बैक गले की डिज़ाइन जो है वो बना के आपको दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।